Hey friends, good evening and welcome back to the channel. Hope you people are doing absolutely super duper फटाफटी. आज है 10th of March 2021 और पीछे हो रहा है दम धुआंधार और बारिश. ठीक है, ये कौन सा बारिश है? बारिश बूंदाबांदी, मतलब ये ऐसा सीजन का बारिश नहीं है, ऐसा वाला ही बारिश है. सीजन का नहीं है ये, बूंदाबांदी बूंदाबांदी है. तो हम लोग सब बारिश का मजा लेने के लिए ऊपर आ गए हैं. ये देखिए, ये बाहर जाने वाले थे, शर्ट का पता नहीं हेडफोन पहले लगा लिया है. बारिश हो रही है लेकिन गर्मी बढ़ रही है ना? की बोले वो मुसलमान है. तो आज हमें जाना है एक शादी में. पापा चले गए, क्या हो पाया, क्या होगा, नहीं होगा, नहीं पता. बारिश कम होगा या नहीं होगा. जिसका शादी है उसके भाई भैया की शादी में भी ठीक ऐसा ही ये था, बारिश हो रहा था. उसके रिसेप्शन में भी मुझे याद है. तो उसका खैर सावन के महीने में हुआ था तो बारिश होना इज़ नेचुरल. तो आज बारिश हो रहा है. शिवरात्रि के पहले होता है क्या, नहीं पता. चलिए आप लोग भी एंजॉय करिए बारिश. तो ये हो गई हूँ मैं रेडी, मैं तैयार हूँ जाने के लिए. ये मेरा बॉडीगार्ड है. चलिए चलते हैं. और नीचे भी सभी रेडी हो गए हैं, पापा मम्मी बेटू. चलो लाइट का बंद करो, मैं आपको दिखा दूँ मैंने क्या पहना. फोटो खींचने में बिजी है, किसी को जाने नहीं दे रहे हैं. ये देखिए, और मैं आपको दिखाती हूँ हम लोगों का पुराना घर कौन सा है. ये है हमारा पुराना घर जहाँ मेरी शादी हुई थी. मैं शादी करके आई थी तो ये इसके साथ हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है. हमारी नई दुल्हन है. अगर हम लोग सामने रहते तो हर दिन मिलते, अभी कभी कभी होगा मिलना, लेकिन वो कभी फैमिली का ग्रुप फोटो है. ये मेरी बड़ी मम्मी है, ये मेरा देवर है, और यहाँ पे सारे देवरों के दल है. गुड इवनिंग. कल के बाद मैं आज व्लॉगिंग कर रही हूँ. कल बहुत टायर्ड हो गई थी. पुराने लोगों से मिलना बहुत मज़ा आया. एक्चुअली बहुत बहुत दिनों बाद मैं गई थी. हाँ, आप लोगों ने देखा मेरा घर कैसा था. अंदर से मैं आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि वो घर हमने जब सेल किया था एक को, हम लोग तो नहीं रहे वो घर में. हमने जिन्हें सेल किया था वो घर,
वो लोगों ने 7 महीने बाद किसी और को सेल किया। फिर वो जिन्होंने तीसरे जन मतलब दूसरे जन को सेल किया, फिर वो भी शायद 1-2 साल के बाद किसी और को सेल किया। जिसे सेल किया वो भी वो घर में नहीं रह पाए, तो बैंक ने उधर नोटिस लगाया। वो घर लोन पे था उनका, जिन्होंने लास्ट में वो घर लिया, तो वो लोन अभी तक उन्होंने बैंक को वापस नहीं किया, तो अभी तक वो लोग भी लापता है, पता नहीं कहाँ है। तो घर में बैंक ने ताला लगा दिया है, तो बहुत ख़राब लगता है खुद का जगह छोड़कर आना। वहाँ पे आसपास में जो भी है वो सब हमारे रिलेटिव्स है, मतलब अगर आप घर के अगर राइट साइड में अगर आप देखोगे तो वो हमारा पूरा हमारा घर है। वहाँ पे मेरे हम लोग को जो है वो फ्रंट पोजीशन मिला था। मेरी दादी माँ का, दादी सास का एक पोर्शन था, बुआ सास का 3 पोर्शन है, फिर आपका बड़े पापा का है पोर्शन, फिर और 3 चाचा का पोर्शन है। तो हमारे घर में बहुत मज़ा होता था, बहुत जैसे लगता है रात के 2-3 हमारे लिए कोई मायने ही नहीं रखते थे। घर हम सभी का अलग अलग था, लेकिन हम अड्डा मारने के लिए हमारी दादी सास के घर ही जाते थे। हाँ, वहाँ पे एकदम चाय चढ़ा हुआ रहता था हमेशा, चाय में सिर्फ पानी खोलता था, चीनी वगैरह दूध वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ चाय पे चाय चल रहा है। वो मुझे पूछते थे तुम चाय पियोगी, मैंने कहा मैं चाय नहीं पीती हूँ, ये वाला मेरा चाय अलग रहता है। दादी सास इतना नियम निष्ठा करके पूजा करती थी कार्तिक महीना में, मुझे बहुत अच्छे तरह से याद है कार्तिक महीना, नवंबर हमारे नवंबर 15 से पड़ता है वो कार्तिक महीना। सुबह के 3 बजे उठना, 3 बजे उठकर आपका वो जो घंटी और वो काशोर घंटा होता है टंग 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 बजाने वाला, वो एकदम मतलब 1 घंटे तक वो बजाती थी। और मैं उसको बोलती थी, मेरा क्योंकि मेरा रूम उनके मंदिर के पास ही था, एकदम मंदिर वाले रूम के पास, तो मैं बोलती थी तुम्हारी दादी को इतना एनर्जी कहाँ से मिलता है, इतना बजाती है। तब मैं पढ़ाई भी कर रही थी तो बहुत डिस्टर्बेंस होता था मुझे, क्योंकि वो टाइम क्या है एकदम पूरा नींद आता था मुझे, और ठंडी का टाइम है, किसे शोर शराब, मुझे एकदम शोर शराबा अच्छा नहीं लगता है। मैं बोलती कब बंद होगा पता नहीं, अभी पूरा वो हमारा जो घर है पूरा सुनसान हो गया है। तो किसी और वीडियो में बताऊंगी कि हमारा घर हमने क्यों छोड़ा, क्या था रीज़न छोड़ने का, बहुत सारी स्टोरीज है, आप लोग ज़रूर ज़रूर उसे देखिएगा। जब मैं वो वीडियो अपलोड करूंगी आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, वो घर से जुड़ी हुई घटनाएं अगर मैं आपको बताऊंगी। तो फिलहाल टाइम हो चला है, इतने सारे जो कपड़े मैंने बैक टू बैक पहने थे पार्टीज़ में, इन्हें मैं अलमारी में तय लगाऊंगी, और कुछ मेरे बेटे के लिए शॉपिंग करके लेकर आए हैं मेरे हस्बैंड, ये टी शर्ट्स वगैरह, ये एक, ये दो। अभी जनाब सिर्फ नए नए चीज़ें पहनेंगे, पुराने वाले अच्छे नहीं लग रहे, उसे फिट नहीं आ रहे, ये एक। अभी वो बोलना बेकार होगा, बेटे के नाम से बाप ने भी लिया है ये पैंट, ये और एक पैंट, ये एक टी शर्ट। माँ के लिए कुछ नहीं, बताओ, माँ बीवी के लिए कुछ नहीं। मेरा पति भी मुझे भूल गया, मेरा बेटा भी मुझे भूल गया, खैर कोई बात नहीं। आज मैं जाऊंगी और एक पार्टी में, ये बर्थडे पार्टी है, हम तीनों जा रहे हैं, मेरे हस्बैंड, मैं और मेरा बेटा। तो यहाँ का तो हो चुका है, ऑलमोस्ट डन है, ये वाला जगह, सिर्फ ये वाला जगह साफ़ हो जाएगा तो हो जाएगा। आ गए हैं मेरे जना फुटबॉल खेलकर, और यहाँ कर रहा है सुदीप अपनी पढ़ाई। सुदीप सुदीप कर रहा है अपनी पढ़ाई। अगर आपको मेरा वीडियो किसी भी रीजन से अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और कमेंट शेयर बिल्कुल करें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।